हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको सूजी का चीला बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक कटोरी सूजी लेंगे, हल्दी पाउडर लेंगे, दो हरा मिर्च लेंगे बारीक कटा हुआ, एक बड़ा प्याज कटा हुआ लेंगे बारीक, अजवाइन लेंगे, आधा कटोरी फेंटा हुआ दही लेंगे, एक टमाटर बारीक कटा हुआ लेंगे, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ लेंगे, लाल मिर्च पाउडर लेंगे, नमक लेंगे और तेल लेंगे और पानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बर्तन लेंगे, उसमें हम सूजी को डाल देंगे। सूजी डालने के बाद उसमें हम दही डाल देंगे। दही जब हम डाल देंगे तो उसमें हम हल्का पानी देके इन तीनों चीज़ों को मिला लेंगे। इनको मिलाने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद इसमें हम हरा मिर्च डाल देंगे, फिर अजवाइन डाल देंगे और टमाटर जो काट के रखे थे वो डाल देंगे, धनिया पत्ती डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे और पानी देके इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद पानी ऐड कर देंगे और फेंट लेंगे इसको। हम हल्का पानी और दे देंगे, अब इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुका है हमारा, हम अब इसको देखते हैं। चीला का घोल हमारा तैयार हो चुका है। घोल इस तरह का होना चाहिए। हम गैस पर तवा चढ़ा दिए, अब इस पर हम तेल डाल देते हैं। गैस का आँच मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे। अब चीला का घोल हम डाल देंगे इस पे। इसको डाल के हम फैला देंगे। यह चीला खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और झटपट से बन जाता है। एक तरफ से जब हमारा चीला पक जाएगा तो हम आधा छोटा चम्मच तेल छिड़क देंगे। तेल डालने के बाद देखिए इस तरह का हमारा हो गया। हम इसको दूसरी तरफ से पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हम सेक लेंगे इसको। फिर से हल्का तेल डाल देंगे, हल्का तेल डालना है एक दो बूंद। अच्छे तरीके से इसको दबा के हम सेक लेंगे दोनों तरफ से। चीला हमारा बन के रेडी हो चुका है, अब ये खाने के लिए तैयार है। इसी तरह सभी चीले को हम बना लेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।